हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 8 गति यानी कि मोशन स्टार्ट कर दिया था। आज की यह वीडियो इस अध्याय की भाग 3 यानी कि पार्ट 3 है। इससे पहले भी इसके दो पार्ट आ चुके हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होती है वो समझेंगे, फिर एक समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है वो समझेंगे, फिर चाल यानी कि स्पीड और वेग यानी कि वेलोसिटी में क्या क्या अंतर हैं वो हम लोग समझेंगे, और आखिरी में हम लोग चाल और वेग पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था कि चाल यानी कि स्पीड क्या होती है। अब अगर मैं चाल की बात करता हूँ तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी गाड़ी कितनी तेज़ी से या फिर कितनी धीरे से वो चल रही है। लेकिन अगर हम लोग चाल की बात करेंगे तो क्या बच्चों हमें वो चाल ये बताती है कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है, या फिर हम लोग ये बोलें कि क्या चाल के ऊपर दिशा का कोई परिवर्तन आता है, उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ता है चाल पर? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमें दिशा से कुछ लेना देना होता ही नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर मैं बात करता हूं वेग की यानी कि वेलोसिटी की, तो किसी वस्तु का वेग दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। यानी कि बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं चाल की, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड यानी कि वहाँ पर हमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे वेग की, तो वहाँ पर हमें दिशा भी इम्पॉर्टेंट होती है कि वो किस दिशा में चल रहा है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से बात करता हूँ तो वेग क्या होता है, दी हुई दिशा में चली गई दूरी। वहाँ पर जो चाल थी वो भी बिल्कुल यही थी कि जितने समय में दूरी है वही हम लोग काउंट करते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेग की, तो यहां पर दूरी तो आएगी लेकिन दी हुई दिशा में ही हम लोग बात करेंगे और कितने समय उसने वो लिया है। ठीक है बच्चों, अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करता हूं तो दी हुई दिशा में यदि कोई वस्तु टी समय में, कितना है यहां पर टी समय, टी और एस दूरी चलती है, तो उसका वेग बताइए कितना होगा। तो वेग हम लोग इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि s अपॉन t होगा, और यहाँ पर s क्या है, जो उसने दूरी चली है, और यहाँ पर t क्या है, जो उसने समय लिया है, और ये क्या निकल के आ गया, वेग। लेकिन बच्चों, हमें यहाँ पर ये भी बताना होगा कि वो किस दिशा में चला है। ध्यान रखिएगा, जब चाल की बात होती है तो वहाँ पर दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं वेग की या वेलोसिटी की, तो हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में चल रहा है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था कि जो विस्थापन होता है और दूरी होती है यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर होता है। जैसे अभी हम लोगों ने वेग और चाल पढ़ा, वैसे ही हम लोगों ने दूरी और विस्थापन में अंतर समझा था। जब हम लोग दूरी तो तय करते हैं लेकिन उसमें दिशा भी हम लोग इम्पॉर्टेंट है कि उसको भी ऐड कर लें, तो वो क्या बन जाता था, विस्थापन। यानी कि देखो, दी हुई दिशा में चली गई दूरी, जब हम लोग बात करते हैं कि दूरी तो है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर दिशा की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो वेस्ट में जा रहा है या ईस्ट में जा रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग वेग की बात करते हैं तो दूरी तो आती है लेकिन वहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि वो किस दिशा में चल रहा है। तो बच्चों, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की परिभाषा के तौर पर बात करें, तो वेग की परिभाषा को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का वेग प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है, क्योंकि वहां पर जो दूरी थी वो किस पर इंपॉर्टेंट है, किस पर बेस्ड है कि वो किस दिशा में जा रहा है। अब देखो, अगर हम लोग इस परिभाषा के हिसाब से बात करते हैं तो वेग को मैं क्या बोल सकता हूं कि विस्थापन बटे लिया गया समय। यानी कि विस्थापन क्या हो गया, दी हुई दिशा में चली गई दूरी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, और क्या आ गया नीचे, समय आ गया। तो हम लोग वेग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, बस इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब भी हम लोग चाल की बात करेंगे तो वहां पर दिशा मायने नहीं रखती है, लेकिन जैसे ही बात आती है वेग की, तो वहां पर हमें यह बताना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। और जैसे ही हम बात करते हैं दी हुई दिशा में चली गई दूरी, तो वहां पर वो डिस्टेंस या दूरी नहीं कहलाती है, फिर वो क्या बदल जाता है, विस्थापन। तो हम लोग इस परिभाषा के हिसाब से वेग को ये भी लिख सकते हैं कि विस्थापन बटे जो भी उसने वो समय लिया। क्लियर है बच्चों। अब अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं चाल के और वेग के
ऐसा ही मात्रक की, तो वो दोनों के दोनों ही सेम होते हैं, वो दोनों का भिन्न नहीं होगा। तो वेग का जो ऐसा ही मात्रक है वो भी क्या है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन है वो भी किस में आता है, मीटर में, और जो समय है वो किस में आएगा, सेकंड में। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऐसा ही मात्रक को मीटर पर सेकंड, और हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि चाल यानी कि स्पीड और वेग यानी कि वेलोसिटी में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, क्या क्या अंतर होता है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग ने समझा कि जब भी हम लोग चाल की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है, परिमाण की यानी कि मैग्नीट्यूड की। वहां पर हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि जो भी गाड़ी है जिसकी हमें चाल निकालनी है वो किस दिशा में जा रही है, वो किसी भी दिशा में जाए वहां पर चाल पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, परिमाण। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं वेग की, तो हमने भी बताया कि वहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दिशा यानी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे वेग की तो वहां पर परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें ये भी बताना होगा कि वो किस दिशा में जा रहा है, जबकि यहां पर उसमें कोई भी दिशा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करता हूं, जब भी हम चाल की बात करेंगे तो हमें सिर्फ बताना होगा कि उसकी स्पीड यानी कि चाल है कितनी। जैसे आप उदाहरण के तौर पर बात करते हैं तो 25 किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा वेग की तो यहां पर उदाहरण देखो बदल जाता है। यहां पर सबसे पहले हमें और भी क्या बताना होगा, उसकी दिशा यानी कि उत्तर की ओर कितनी स्पीड चल रही है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है, हमारा वेग। तो परिमाण भी चाहिए हमें वेग में और उसकी दिशा भी चाहिए, लेकिन चाल में सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, वहां पर दिशा से कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोग जैसी बात करते हैं कि यहां पर दिशा नहीं चाहिए तो वो कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे ही वहां से दिशा हट गई तो वो कैसी राशि हो गई, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और जैसे ही वहां पर दिशा जुड़ गई तो वहां पर वो कैसी राशि हो गई, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे ही चाल की बात होगी तो दिशाएं महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं वेग की तो वहां पर हमारे लिए दिशा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एक समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो बड़ा ही सिंपल सा है, देखो बच्चों जब वेग हमेशा समान रहेगा यानी कि फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक समान वेग। जैसे मान लो कोई भी एक वस्तु है या गाड़ी है वो 10 किलोमीटर चली, ठीक है, और वो हमेशा उसका जो वेग है वो हमेशा बराबर रहे, वो चेंज ना हो, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक समान वेग। अब बच्चों जब भी हम लोग बात करेंगे एक समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो वो दो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो एक समान यानी कि एक जैसा रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखो बच्चों किसी वस्तु में एक समान वेग दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली क्या है, किसी विशिष्ट दिशा में सीधी रेखा में चलता हो। अभी हम लोगों ने बताया था कि जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, दूरी किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ही तो थी। तो यहाँ पर जो है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, और वो एक उसी सीधी रेखा में चलता हो। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि किसी विशिष्ट दिशा में सीधी रेखा में चलता हो, यानी कि अगर उसकी दिशा यहां पर हम लोगों ने चेंज कर दी तो क्या वहां पर जो वेग है वो एक समान होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहली कंडीशन कहती ही यही है कि जब भी हम लोगों को एक समान वेग चाहिए तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि वहां पर जो दिशा है वो एक ही होनी चाहिए, वो बार बार चेंज ना हो। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, तो समय के समान अंतरालों में समान दूरी तय करता हो। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि वहां पर जो समय है, अगर मान के चलो बच्चों उदाहरण के तौर पर एक सेकंड में वो 10 मीटर चलता है, ठीक है, वो वस्तु एक सेकंड में कितनी चल रही है, 10 मीटर, तो अगले एक सेकंड में भी वो कितनी ही चलनी चाहिए, 10 मीटर ही चलनी चाहिए। अगर यहाँ पर सेम अंतराल में सेम दूरी तय नहीं करी तो वो एक समान वेग नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो दो कंडीशन क्या होती हैं एक समान वेग के लिए, पहली कि दिशा जो है वो चेंज ना हो, वो हमेशा फिक्स रहे, ठीक है बच्चों। दूसरी क्या है कि जो समान अंतराल हैं, जो टाइम है वो एकदम अगर फिक्स रखा है तो उसी अंतराल में उतना ही डिस्टेंस चलना चाहिए, उसको उतनी ही दूरी तय करनी चाहिए जितनी पहले सेकंड में करी है। तो अगर पहले सेकंड में उसने 10 मीटर दूरी तय कर ली है तो दूसरे सेकंड में भी यानी कि उस अगले एक सेकंड में भी उसको 10 मीटर ही तय करना होगा। तो जितनी देर तक वो गाड़ी जो है या वस्तु जो है वो अपना काम करेगी तो उसको ध्यान रखना है कि वो दिशा उसकी चेंज ना हो, वो बदले ना अपनी दिशा को, और समान अंतराल में समान दूरी को तय करे। ठीक है बच्चों,
अब अगर मैं बच्चों इसको उल्टा कर दूं, तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वेग को हम लोग किन किन तरीकों से बदल सकते हैं, यहाँ पर तो क्या था, वो एक समान था, अब वो ये पूछ ले आपसे कि बताओ बच्चों ऐसी कोई कंडीशन बताओ जहाँ पर हम लोग जो वेग है हमारा उसको बदल दें, तो यहाँ पर भी दो कंडीशन बन जाएंगी और वो दो कंडीशन यही होंगी, यानी कि अगर मैं दिशा बदल दूँ तो क्या होगा, वेग बदल जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि अगर मैं समान अंतरालों पर वो समान दूरी तय नहीं करेगा तब भी तो क्या हो गया, वेग बदल गया। तो अगर वो पूछता है एक समान के लिए क्या होगा, तो यही दो कंडीशन है, यहाँ पर उसे दिशा और समान अंतराल में समान दूरी तय करनी होगी। लेकिन अगर वो उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ मुझे वेग को बदलना है, परिवर्तित करना है, तब मैं उसके लिए क्या कंडीशन दूंगा कि वहाँ पर जो है उसकी चाल बदल दो, या फिर जो भी हमारे पास अंतराल हैं उसमें दूरी जो है बदल दो। क्लियर हो गया बच्चों? देखो, वेग को दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, पहला वस्तु की चाल बदलकर और दूसरा चाल स्थिर रखकर परंतु दिशा बदलकर। जैसी हम लोग उसकी या तो चाल बदल दें या फिर उसकी जो है समय बदल दें और उसकी जो दूरी है उसको बदल दिया जाए। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वीडियोस में समझा कि चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर मैं बात करता हूँ क्या चाल और वेग जो है क्या ये दोनों बराबर होते हैं या अलग अलग होंगे, सोचिए क्या वेग और चाल जो है बराबर हो सकते हैं या ये अलग अलग होंगे। अगर हम लोग परिभाषा के तौर पर बात करते हैं तो जो चाल है उस पर दिशा का कोई भी जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं होगी, वहाँ पर वो महत्वपूर्ण होती ही नहीं है, उसका कोई भी उस पर जो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेग की, तो यहाँ पर दिशा जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे उसकी दिशा बदलेगी वैसे ही वो वेग भी बदलता रहेगा। तो क्या इस परिभाषा के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि चाल और वेग अलग अलग हैं या बराबर होंगे? तो बच्चों इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर समझते हैं। किसी उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि जो चाल और वेग है वो दोनों बराबर हैं, लेकिन जो दूसरा उदाहरण होगा वहाँ पर चाल और वेग बराबर बराबर नहीं होंगी। तो आइए बच्चों एक बार समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई एक बालक है, वो अपने घर से दुकान की तरफ जाता है, ठीक है बच्चों। अब वो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है, 100 मीटर की दूरी को तय कर लेता है। अब यहाँ पर हम लोगों को दिशा भी देनी है कि क्या है उसकी दिशा, पूर्व दिशा में वो बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कोई एक बालक है वो अपने घर से कहाँ जा रहा है, दुकान की तरफ, और उसने 50 सेकंड में 100 मीटर को तय कर लिया है, और किस दिशा में, पूर्व की दिशा में। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब भी हम लोग चाल की बात करते हैं तो वहाँ पर दिशा महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो हम लोग जब चाल निकालेंगे बालक की, तो दूरी बटे समय जितना लिया उसने, तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 100 मीटर, और समय कितना है, 50 सेकंड। तो कितनी दो चाल आ गई हमारे पास, 2 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई हमारी चाल। लेकिन जैसे ही हम लोग बच्चों बात करते हैं वेग की, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी दिशा, कि वो किस दिशा में चल रहा है। तो पूर्व में चल रहा है, कितना चला है, 100 मीटर। अब यही जब दिशा दूरी में ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विस्थापन बन जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम यानी कि समय। तो 2 मीटर प्रति सेकंड ये भी आ जाएगा, लेकिन ये किस दिशा में होगा बच्चों, पूर्व में। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर चाल और वेग दोनों ही बराबर निकले, 2 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड, दोनों ही क्लियर हैं। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, तो बच्चों यहाँ पर देखना कि यहाँ पर दोनों ही दोनों अलग आएंगे, वेग अलग आएगा और जो चाल होगी वो अलग आएगा। ये उदाहरण क्या कहता है बच्चों, कि कोई बालक है वो अपने दुकान में जा रहा है, और किस दिशा में है, पूर्व दिशा में ही है, और फिर वापस आया है, यानी पहले वो 50 सेकंड में 100 मीटर गया पूर्व दिशा में, और फिर वहाँ से दुकान से अपने घर आया यानी वापस आया, और वहाँ पर भी उसने कितना समय लिया है, 50 सेकंड, और कितनी दूरी है, 100 मीटर। अब हमें यहाँ पर चाल और वेग का पता करना है कि बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। तो बच्चों चाल 100 और 100 यानी दूरी टोटल आ गई, और यहाँ पर समय भी जोड़ दिया, तो 200 मीटर बटे 100 सेकंड, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ये तो हो गई चाल, अब यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस किसकी नहीं है, दिशा की, यहाँ पर डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन बच्चों जैसे ही मैं वेग की बात करता हूँ तो वहाँ पर दूरी नहीं आती, वहाँ पर क्या आता है, विस्थापन। तो यहाँ पर हमें दिशा का भी ध्यान रखना होगा। तो बच्चों वेग क्या हो गया, विस्थापन बटे
समय। अब विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, जो पहली बिंदु होती है वो और आखिरी बिंदु का दूरी या डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। अब वो यहाँ से चला, यहाँ से चलता हुआ फिर वापस कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की अगर मैं दूरी की बात करूँगा तो वो तो बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पर जो पहली बिंदु थी A वो भी बराबर है और जो आखिरी बिंदु आई B वो भी बराबर है, तो दोनों के दोनों ही बराबर हो गए। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी यानी विस्थापन कितना हो गया, जीरो। तो बच्चों अगर यहाँ पर मैं इस केस में बात करता हूँ, इस उदाहरण में बात करता हूँ वेग की, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में क्या हो गया बच्चों, जो वेग था वो अलग रहा और जो चाल थी वो अलग रही। तो पहले वाले केस में दोनों बराबर हैं, अब यहाँ पर बराबर नहीं है। तो बच्चों अब हमको ये पता करना है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कब तो जो है चाल और वेग बराबर होंगे और कब चाल और वेग बराबर नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, जब वो अपने घर से दुकान की तरफ चला तो वो एक सीधी दिशा यानी कि एक सीधी डायरेक्शन में चल रहा है, उसने वहाँ पर डायरेक्शन को चेंज नहीं करा है, दिशा बदली नहीं है, एक सीधी रेखा में चलता रहा। तो जब वो घर से दुकान की तरफ बढ़ेगा या किसी भी ऐसे उदाहरण में अगर हमें चाल और वेग का पता करना है, तो अगर वहाँ पर दिशा चेंज नहीं है, वो सीधी रेखा में चल रहा है, तो वो हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ध्यान रखना बच्चों वहाँ पर दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दिशा को बदल दिया, वो अब सीधी रेखा में नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पर वो दोनों के दोनों बदल जाएंगे। वहाँ पर जो चाल होगी वो अलग होगी और जो वेग होगा वो अलग होगा। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग एक प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार 5 घंटे में दिल्ली से अंबाला उत्तर की ओर, यहाँ ध्यान रखना बच्चों दिशा उसने दे दी है, क्या है दिशा, उत्तर की ओर 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान रखने का ये ओर है यानी कि दिशा है, उत्तर की ओर जा रही है और दूरी कितनी तय करी है उसने, 200 किलोमीटर, और कितना समय है, 5 घंटे। तो अब आपको बताना है कि इस गाड़ी की चाल क्या होगी और उसका वेग क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं चाल की तो क्या होता है, चली गई दूरी और कितना समय उसने लिया, यहाँ से हम लोग उसकी चाल निकाल सकते हैं। और जैसे हम लोग बात करेंगे वेग की तो विस्थापन बटे समय ये हमारा बता देगा कि वेग कितना होगा। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूं तो दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर और समय कितना लिया उसने, 5 किलोमीटर, तो सीधा सीधा जो हमारी चाल आ गई वो कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं वेग की तो वो कितना होगा, दूरी कितनी तय करी उसने, 200 किलोमीटर, लेकिन किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, और समय कितना आ गया, 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ गया, 40 किलोमीटर, लेकिन दिशा क्या है, उत्तर की ओर है। तो बच्चों यहाँ पर जो आया हमारे पास चाल और वेग वो दोनों बराबर आए हैं, और ये हमेशा बराबर कब होंगे, जब वो एक ही दिशा में चल रहा हो, जब उसने दिशा चेंज ना करी हो। और देखो बच्चों वो किस दिशा में चल रहा है, उत्तर में, तो एक ही दिशा थी इसलिए वो दोनों के दोनों बराबर आ गए। अब बच्चों एक और प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कहता है, एक बस प्रातः पश्चिम की ओर, ध्यान रखना किस दिशा में है, पश्चिम की ओर दिल्ली से जयपुर जाती है, और कितना समय लेती है, 5 घंटे, और 5 घंटे में जो दूरी तय करती है वो कितनी है, 250 किलोमीटर, और वापस शाम को 5 घंटे के समान समय पर वापस आती है, कितनी दूरी तय करते हुए, 250 किलोमीटर, और कहाँ पहुँच जाती है, दिल्ली से वापस, जयपुर से वापस कहाँ पहुँच जाती है, दिल्ली पहुँच जाती है। तो बच्चों क्या कहती है, जब सुबह जाती है वो दिल्ली से जयपुर तो 5 घंटे का समय लिया और दूरी कितनी तय कर ली, 250 किलोमीटर, और फिर वो वापस से शाम को आती है रिटर्न कहाँ पर, दिल्ली में, और कितने घंटे ले रही है, 5 घंटे ही, और दूरी भी उसने कितनी तय करी, 250 किलोमीटर। तो अब हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि इस ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी और औसत जो वेग है वो कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि औसत चाल क्या होती है, कुल चली गई दूरी और वहाँ पर कितना उसने समय लिया। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ वेग की, औसत वेग क्या हो जाएगा, वहाँ पर टोटल विस्थापन, कुल विस्थापन कितना आया और कितने समय में आया, वो क्या बताता है हमको, वेग। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूँ औसत चाल की, तो टोटल दूरी कितनी थी, 250 प्लस 250, पहले दिल्ली से जयपुर और फिर जयपुर से दिल्ली, तो कितनी हो गई, 500 किलोमीटर, और समय टोटल कितना आ गया, 5 और 5 यानी कि 10, तो सीधा सीधा हमारे पास जो औसत चाल आई वो कितनी निकल कर आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ बच्चों वेग की, तो वहाँ पर अब हमें दूरी नहीं चाहिए, वहाँ पर क्या चाहिए, टोटल विस्थापन चाहिए। अब बच्चों पहले उसने गया 250 किलोमीटर और फिर वापस 250 किलोमीटर आ गया, तो जो पहली बिंदु और आखिरी बिंदु थी वो तो बराबर हो गई, तो उसके बीच की दूरी कितनी रही, जीरो, और टोटल टाइम कितना आया,
10 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं औसत वेग की बात करता हूँ तो कितना आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नहीं चला, वो कितना चल रहा है यहाँ पर, जीरो के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो वेग निकल कर आता है वो कितना आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन है वो कितना आ गया, जीरो। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, दिशा जैसे ही बदल गई उसकी औसत चाल भी बदल गई और उसकी औसत वेग भी बदल जाएगा, वो दोनों बराबर नहीं रहेंगे, अलग अलग आएंगे। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि जैसे ही चाल और वेग में उनकी दिशाएं बदल जाती हैं तो वो दोनों दोनों बराबर नहीं रहेंगे। जब तक वो बराबर हैं तब यानी कि उसकी जो दिशा है वो हमेशा बराबर रही, और यानी कि वो एक ही दिशा में चलता रहा, जैसे ही दिशा बदल दी वहाँ पर चाल और वेग बराबर नहीं रहते हैं। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम लोग आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नए वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो को ख़त्म करने से पहले सभी से निवेदन करता हूँ कि जिस जिस बच्चे ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हम लोगों से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।